हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसके लिए आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आप आसानी से जो 70 मार्क्स है उसके अंदर आप आसानी से कम 60 प्लस आप मार्क्स निकाल सकते हैं। और पूरा जो पेपर है 100 मार्क्स का है, तो 100 में से आपका जो स्कोर होना चाहिए आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी स्टैंडर्ड 12th का आपको बुक दिख रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि आपको ऐसे कौन से जो चैप्टर हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और वो अगर आप करते हो तो आप आसानी से आउट ऑफ 70 आप आसानी से 65 या 70 आप 70 तक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यानी पूरा मार्क्स आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं कि कितने चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है यहाँ पे पूरे कंटेंट में यहाँ पे टोटल हमें कितने 15 चैप्टर दिए हैं, ठीक है। 15 चैप्टर में यहाँ पे हर एक जो चैप्टर है उसका अलग अलग वेटेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर का महत्व अलग है। तो यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर आपको ऐसे बताऊंगा जिसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे आउट ऑफ 70 मुझे सिर्फ 50 मिल जाना चाहिए, तो वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि वो सिर्फ अगर 15 चैप्टर में से अगर वो 8-9 चैप्टर भी करके जाते हैं तो भी वो 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग पूरे 15 चैप्टर ना पढ़ते हुए भी आप आसानी से कैसे 70 आउट ऑफ 70 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर आपको दिया है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड द हायर प्लांट, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है उसका जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, ठीक है। यानी आपको पेपर के अंदर कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, इसके पेपर के अंदर आपको पहले जो चैप्टर है उसके अंदर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल आपको आएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। और उस 8 मार्क्स में से आपको 6 मार्क्स क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आपको ऑप्शन में कितने मिल गए, 2 मार्क्स ऑप्शन में मिले, और टोटल आपको कितने 6 सॉल्व करने हैं और 8 मार्क्स का यानी आपको ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर इसमें आता है, और सपोज क्वेश्चन 1 में आपको 2 मार्क्स के लिए आता है पहले चैप्टर से, क्वेश्चन 2 में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, और क्वेश्चन 3 में आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे 8 के 8 मार्क्स इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर के लिए भी सेम आपको कितने हैं, 8 मार्क्स है, ठीक है, 8 मार्क्स है। और इसके अंदर आपको 6 मार्क्स के क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, और आपको टोटल इसके अंदर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर, ठीक है, यानी ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड चैप्टर का जो वेटेज है वो कम है, ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज है, मैं पूरे चैप्टर को यहाँ पे बता दूंगा। देन उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है इसका भी 6 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ चैप्टर है इसका भी 6 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद आप 7 चैप्टर पे आ जाते हैं, तो 7 जो यहाँ पे हम लोग 6 चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 6th हो गया या फिर 7th हो गया, दोनों का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जो 8 जो चैप्टर है यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद जो 9th वाला चैप्टर है, तो 9th वाले चैप्टर का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं 10th लेसन पे, ठीक है, तो 10th लेसन का जो वेटेज है वो ओनली 4 मार्क्स का है। 11th का है कितना, 11th का है 6, ठीक है। उसके बाद 12th जो 12th लेसन है उसका वेटेज है 7, ठीक है। उसके बाद नीचे के जो 3 लेसन है, ये 3 लेसन का जो वेटेज है वो कितना है, 4 मार्क्स है, ठीक है। यानी हर एक चैप्टर से आपको कितने कितने मार्क्स के आएंगे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी बात रही कि आप इसके अंदर कैसे आप आसानी से 70 में से 50-60 कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पहला चैप्टर है आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, दूसरा चैप्टर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये 16 मार्क्स हो गए। थर्ड चैप्टर के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे,
22 मार्क्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे वापस जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है उसके लिए आपको 12 मार्क्स है, ठीक है, यानी टोटल 6-6 मार्क्स है। तो ये कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 8 × 16, 16 × 4 22, 22 × 6 28, 28 × 24, ठीक है, 24 मार्क्स यहाँ पे हो गए 5 लेसन के। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लेसन के कितने 14 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो 24 और 14 कितने हो गए आपको 38 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने, अगर आप 7 लेसन करते हो तो 38 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ये 8वां लेसन करके जाते हो तो 48 हो गए, 9वां लेसन करके जाते हो तो कितने हो गए 48 के बाद 59 हो गए, ठीक है, क्योंकि 11 मार्क्स का है। तो यहाँ पे तो आधे में ही हमारा कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे में ही हमारा 59 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यानी अगर आप सिर्फ कितने लेसन 9 लेसन करके जाते हो ऊपर के, ठीक है, ये तो 9 लेसन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 59 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, नीचे के जो क्वेश्चन है वो स्किप कर सकते हो। अभी बचा हमारा कितना, 11 मार्क्स। तो आप 11 मार्क्स के लिए कौन से दो चैप्टर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो इसके लिए आपको कितने, 6 और 4, 10 मार्क्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आपका बचता है आप नीचे के कोई भी, जैसे बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं, कंजर्वेशन एंड द इन्वायरमेंटल इशू, तो ये सब क्वेश्चन आपको, जैसे ये पॉल्यूशन के ऊपर आएगा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आएगा, तो उसके अंदर आप आसानी से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कितना, ये जो पूरा अगर ऑप्शन के साथ हम लोग ले ले तो ये पूरा कितने 98 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, कितने 98 मार्क्स। और 98 में से आपको कितना सिर्फ निकालना है, स्कोर करना है ओनली 70 मार्क्स, ठीक है। यानी आपको 98 में से अगर 70 मार्क्स निकालने के लिए कहा जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यानी 98 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 98 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 70 मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा वेटेज के साथ ये बात किया है। तो अगर आपको इसके अंदर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी का ये सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।